뿐이에요? रुपए का पुरस्कार दिया है सिपाही राम, इसी गांव के रहने वाले कमेटी को दे रहे, मुंशी जी को कछु नहीं दे रहे। जले 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 ओ गंजे ओरे बहरा ये हमारे सिपाही राम जी ये 20 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। हम सिपाही राम का उनके डंडे का उनकी टोपी का शुक्रिया हाय अदा कर हेलो 1100 रुपए का पुरस्कार राजेश ठेकेदार मिश्रपुर वाले ये 1100 रुपए मेला कमेटी में दान दे रहे हैं जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक चिराई बारी ने प्यार से बुलाया और प्यार से बुला के हॉर्न प्यार से बुला के और हॉर्न बजाया मैं हॉर्न बजवाया दादी से पहले एक नई वाले प्यार से बुलाया प्यार से बुला के उसरा दिखाया मैं उसरा लगवाया शादी से पहले मायके में एक पुलिस वाले प्यार से बुलाया और प्यार से बुला के डंडा दिखाया ये 101 रुपए का पुरस्कार शिव शंकर पाल मेला कमेटी को देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से बुला के और डंडा दिखाया मैं डंडा लगवाया चलना चाहिए श्रीमान बाबूजी ने याद किया हेलो मुंशी जी के बच्चे बहुत अच्छे आज इतना लेट क्यों हुआ रे भाई साहब हाँ। आपका पहला तार आया उस समय ले रहे थे क्या ले रहे थे भगवान का नाम पहले भगवान का नाम बोल तुम क्या रहे और दूसरा पहुंचा जब डाल रहे थे क्या डाल रहा था पेंट में पैर पहले पेंट बोल और तीसरा पहुंचा जब भाई साहब हम किसान आदमी हाँ। हमारे पास 3 जानवर कौन कौन से तीनों काले रंग के कौन कौन 2 भैंसे 1 भैंसिया 2 भैंसे भैंस हाँ। ये जो किसानों के पास होती है भैंसिया दूध धोने के लिए हाँ। और भैंसे खेती करने के लिए करने के लिए हमने सोचा रात्रि का समय हाँ हाँ। 4 बज रहे अंधेरिया रात हमने की 2 बीघा खेती अपनी जोत ले फिर बाबूजी के पास चले ठीक भाई साहब हाँ। तीनों जानवर हमारी एक ही जगह बनते थे और ये 251 रुपए का पुरस्कार अजब सिंह कठेरिया मेला कमेटी एराव एक ही बढ़िया बनते थे
ओंगा नीजी में दिखाई नहीं दिया भाई साहब, एक भैंसा एक भैंसिया खोल ली, खोल लिया, पहुंचे खेत में, जैसे ही हमने चूहा रखा भैंसा तो भैंसिया को देख के मुस्कुराया, मुस्कुराया वो भैंसिया भैंसे को देख के मुस्कुराई मुस्कुराई, हमने की ये मेरे भगवान, ये मेरे परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे दोनों जानवर सीधे चलते थे, खेचता नहीं कैसे बच्ची। हेलो, 100 रुपए का पुरस्कार दीपू वर्मा, ये रामपुर वालों की ओर से मुंशी जी को बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। पहले शुक्रिया लगाइए, इधर लगाओ उस्ताद। मुंशी जी तनखा कट जे, कट जान दे तुम्हें काटाऊ कट जान दे बाबू जी। जिस समय हमारे सीधे हाथ में भैंसिया थी, सीधे हाथ में भैंसिया, भाई साहब बहुत मारा, बहुत मारा, इतना मारा इतना मारा, भैंसिया का पेशाब निकल गया। ओ, यानी डर की वजह से उसका पेशाब निकल गया। हमने कहा मेरे भगवान जी क्या हुआ, रोज हमारा भैंसा नीचे से मूतता था, जो ऊपर से कैसे मूत रहा है। हमने सोचा कि हमने ज्यादा मारा है, हो सकता है भैंसा फट गया, फट गया। ये तो बात भाई साहब खेत की, खेत की बात। अब सुनो मेरे घर की बात, क्या हुई तन्ने मास्टर चाय के शौकीन, हमारी लुगाई ने सोचा, चुप, चाय का शौकीन है। अब साले कल से तो चाय नसीब नहीं हुई, अब साले दूध रखा है मेरे पास, तू बना। अच्छा, 500 रुपए का पुरस्कार पिंटू प्रजापत दिल्ली वालों की ओर से, ये मेला कमेटी को दान दी है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हमारी औरत ने सोचा चाय निकालिए दूध ले आए, जैसे ही सानी लगाई, भैंसिया की सानी भैंसे के बाप को नहीं मिली, भैंसे ने सानी सूंघी, वो भैंसा सानी में टूट गया, लग गया खाने के लिए। देखो भैंसा खानी सानी खा रहा है, भैंसा सानी खा रहा है, अबे कोई हम भैंसा है, हमारी बीवी ठंड भाई मुझसे मैं बता रहा हूँ आज आगे भैंसा सानी खा रहा है, हमारी बीवी ठंडा पानी लाई, जैसे ही छींटा मारा भैंसा, देखो भैंसा उड़ गया। तेरे सिर पे भैंसा उड़ गया, हमारी लुगाई ने सोची ये मेरे भगवान रोज हमारी भैंसी आराम से दूध धुलवाती है, आज चौंक कैसे रही है, उन्हें समझी सानी में मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, घर में गई 1 किलो आटा निकाला, 1 किलो आटा और ले आई, और जैसे ही सानी में आटा डाला, भैंसा समझ गया है मेरे भगवान आज कोई त्योहार है, हमारी दावत हो रही है भाई साहब, भैंसा फिर सानी में जुड़ गया, फिर खाने लगा भैंसा, कैसे खाने लगा, हमारी बीवी थोड़ा गर्म पानी करके लाई, उन्होंने सोचा ठंडी पानी से भैंसिया चौंक रही है, गर्म पानी लाई, जैसे ही छींटा मारा भैंसा सानी भानी सब भूल गई। और जो 50 रुपए का पुरस्कार विद्या राय तिवारी की तरफ से, देखो भैंसा चुपचाप होकर, शुक्रिया, देखो भैंसा चुपचाप खड़ा हो गया सानी खा के, हम तो उनकी शुक्रिया मंगरिया कर रहे हैं भाई साहब, भैंसा सानी भानी भूल गया, भूल गया भैंसा, चुप खड़ा, भैंसा चुप खड़ा है, हमारी बीवी ने बाल्टी धरी और जैसे ही हाथ डाला भाई साहब मेहरिया कहू बाल्टी को, क्यों वो हमारी लुगाई वाली है, मेरे भगवान मेरी भैंसिया को नजर लग गई, मेरी भैंसिया के 4 थन थे, जो 200 वाट का बल्ब के साथ में, यानी 200 वाट का बल्ब लटक रहा है, इस चक्कर में परेशान थे। देखिए यहाँ महान पुरुष सज्जन आए हुए हैं, ये सब सज्जन है, इनमें कोई सज्जन नहीं है, अगर बेटा जी सज्जन होते तो ना होते, अपने अपने घर ऐसी गर्मी में कोई लेजा होता, कोई खारिया होता, कोई खुजारिया होता, और कोई हमारे जैसा नौजवान, ये लोग यहाँ आ गए, घर बहन जी खटिया कह रही होगी हाय तैया कहाँ चले गए, मुंशी जी ये तुम्हें देखने आए हैं,
देखो कहा देख लिया अब जाओ ले? ये पूरी रात देखेंगे, ये पूरी रात देखेंगे, मैंने रात भर दिखाएंगे। क्या दिखाएगा? कलाकारी कलाकारी है, ये वही कलाकारी दिखाएंगे। अब क्या इनके लिए कोई मनोरंजन मंजन? अरे यार, अरे वो नाचने वाली, अच्छा नाचने वाली, अरे नाचने वाली नहीं, कोई अप्सरा अप्सरा। अब पहले ही बताया उस तरह, यार उस तरह नहीं, किसके बनाएगा? पागल है यार। अरे यार वो गड़का गड़का, अच्छा गड़सा। अरे तेरी की दीदी इसकी समझ में नहीं आया, इधर आ, एक हाथ सर पे रख। अरे सर कहाँ है? खोपड़ी, किसी को खोपड़ी कहते हैं, हाँ किसी को दिमाग कहते हैं, किसी को दिमाग कहते हैं, किसी को चांद कहते हैं। मारे भगवान, चांद खोपड़ी सर तीनों एक में घुस जाए, घुसिया कहाँ मिल जाएगी कमर? ये चिगटे की पुलिया रख लिया। अब इसे धीरे धीरे मिलाओ, एक लाख बाबूजी दो नंबर का सामान, पांच लौंडियां ऐसी लौंडियां, ऐसी लौंडियां बिल्कुल ऐसी, ओहो लौंडियां बाबूजी लौंडियां, ये बाबूजी लौंडियां तुझे मार के ले गया भोटा रही है बाबू जी, लोनिया लोनिया की तारीफ चीते जैसी कमर, हसरी मृग जैसी आंखें, और गली पर डाल दो सौ सौ पर खाए, खटिया में बैठा दो सौ के में से निकल जाए। लोनिया लोनिया पहली लोनिया का नाम परमुत्री, परमुत्री छोटी है परी परे मुझ लेती है, यानी मेहनत ज्यादा करती है, रात भर मेहनत करती है, बहुत बेचारी मेहनत करती है, परे परे मुझ लेती है। दूसरी का नाम मेलबंदी, लंबी है, है और चकबंदी गोल मटोल, बोराबंदी मोटी है, पांचवी नसबंदी। बुला लू बात सुन, जब तू ये पीछे से ठोकर मार देता है हमारी चंचला को बड़ा मजा आ जाएगा। अच्छा चलो जा रहे यार दोस्तों, एक लोडिया बड़ी अच्छी लगती है, आज पटाएंगे। उसे बोला कोई लंबी वाली को, आज बोला पटाएंगे मेरी निधि आएगी, हो चलती जवानी मेरी निधि आएगी, बजाऊंगी बिहार यूपी जो भी चल जाएगी, बजाऊंगी बिहार यूपी जो भी चल जाएगी। लीजिए दोस्तों, आप देख रहे हैं हंसी मजाक का प्रोग्राम, लीजिए एक शानदार प्रोग्राम जिसे पेश करेंगे भांग धतू।